तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर वन, यानी हम जिसको बोल सकते हैं नियरेस्ट एटम्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स। आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स टू अ गिवन स्फीयर। एक गिवन स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वन इज नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर वन। ठीक, उसका डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम, उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट एटम एज वेल एज रेडियस ऑफ एटम, हमें ये निकालना है। आज हमें ये सब कुछ निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर वन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर टू क्या होता है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर टू। देखो बेटा, एक एटम के बिल्कुल नियरेस्ट एटम कुछ होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर वन बोलते हैं, जो उसका चिपके हुए होते हैं। यानी एक पर्टिकुलर पार्टिकल से जो चिपके हुए होते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर वन। ठीक है बच्चे? और फिर दूसरी बात क्या होती है, उससे अगले अगर देखें, उससे भी अगले अगर देखें तो बेटा वो कोऑर्डिनेशन नंबर टू होता है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वन और कोऑर्डिनेशन नंबर टू, ये दो तरह के होते हैं बेटा। ठीक, तो आज हम उसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वन नियरेस्ट एटम्स या टचिंग एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स यानी टचिंग से अगले वाले, जो और मतलब सेकंड नंबर पे नियरेस्ट है। क्लियर हो गई बात? इसके लिए सबसे पहले हमें पैकिंग बना के रखते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, इसलिए बेटर है कि हम इसको अच्छे से समझ लें एक बार। बेटा प्लीज बंद कर दे अपने माइक। एनीबडी जिसका माइक खुला बंद कर दे प्लीज। सी, ये पैकिंग हम हर बार बनाते हैं, आज मैंने बना के दिखाई आपको पैकिंग। इसमें आपको पता है कि इसमें कितने क्यूब्स हैं? इसमें आठ क्यूब्स हैं। ये वी वेरी वेल नो कि हियर वी हैव एट क्यूब्स। अगर मैं कोई एक क्यूब इसमें से ले लेता हूं फॉर द टाइमिंग, समझने के लिए, ये सब चीजें समझने के लिए, पहले सिर्फ एक क्यूब के पैटर्न को समझ लें ताकि बहुत ही आसानी से हमें ये सब चीजें समझ में आए। देखो बेटा, ये मैंने एक क्यूब ले लिया, आई हैव टेकन दिस वन क्यूब। ठीक, मैंने ये एक क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब का ये कॉर्नर है बेटा, दिस इज वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अगर ध्यान से देखें सो दिस इज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है जी, ये इस रेड वाले का मैंने एक कॉर्नर ले लिया है, पिछले वाला कॉर्नर ले लिया, अगले वाला ले सकते थे, पिछले वाला मैंने बिल्कुल बीच वाला इसलिए लिया ताकि मेरे को बाकी सारी प्रॉपर्टीज की बतानी आसान हो। अब एक बात बताओ, ये जो कॉर्नर है ये कितने क्यूब्स में बटा हुआ है, यानी कितने क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है ये कॉर्नर? ये कॉर्नर कितने क्यूब्स का कॉर्नर आप बोल सकते हैं? ऑब्वियसली यस, उत्कर्ष इट इज एट, एंजल इट इज एट,
डेफिनेटली ए, चार नीचे चार ऊपर, तो कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहली बात ये प्रॉपर्टीज पहले ध्यान में रखें, कॉर्नर इज ज्वाइंड टू या शेयर्ड बाय, बोल लो शेयर्ड बाय एट क्यूब्स, कॉर्नर इज शेयर्ड बाय एट क्यूब्स। आप देख ही रहे हैं ये यहां पड़ा है, इसके नीचे एक दो तीन चार, ऊपर एक दो तीन चार, सभी का तो कॉमन है ये, इसीलिए कॉर्नर पे पार्टिकल की कॉन्ट्रीब्यूशन भी वन एट होती है, क्योंकि ये आठ क्यूब से शेयर होता है, ठीक, और हर क्यूब में इसका एक एक पार्ट होगा, तो वन वन में से आठ में शेयर हुआ तो वन बाय एट। तो जैसे जिस बच्चे को उस समय अगर समझ नहीं आया था तो इस ड्राइंग से बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि कॉर्नर एटम जो है वो शेयर्ड बाय एट क्यूब होता है, और इसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय एट क्यूब, और इसकी वजह से हमारे पास वन एट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। पहली बात हमने पढ़ी कि कॉर्नर इज शेयर्ड बाय एट क्यूब, ये पहली बात। अब ये जो कॉर्नर है ये एट क्यूब से शेयर्ड है, दूसरी बात ये होगी कि इसमें कितने फेसेस से शेयर होगा, हाउ मेनी फेसेस आर शेयर, एक कॉर्नर कितने फेस शेयर करेगा, ये ध्यान से देखना, एक कॉर्नर कितने फेस शेयर करेगा, बहुत ध्यान से देखना है। एक बेटा ये वाला कॉर्नर जो है इस फेस का भी है एक, और इसका भी है दो, इसका भी है तीन, और इसका भी है चार, तो ये चार फेस तो हो गए किसमें, ये चार हो गए y एक्सिस में, ये चार फेस हो गए y एक्सिस में। इसी तरह से ये वाला कॉर्नर इस फेस का भी है, इस फेस का भी है, ये हो गया इस फेस का भी है, और इस फेस का भी है, ठीक है। तो बेटा ये दो हो गए, ये चार फेस हो गए किसमें, y एक्सिस में, ये चार फेस हो गए किसमें, x एक्सिस में। ऐसे ही बेटा चार फेस हो गए z एक्सिस में, जिसको मैं यहां अगर शो करूंगा तो सारा क्रिस्टल ही दिखना बंद हो जाएगा। बेस्ट है कि आपको मैं बता दूं कि अगर मैं इस फेस की बात करता, इस इन वाले चार फेस की बात करता, ठीक, ये चार फेस जो कि इस पर्टिकुलर प्लेन में है, इस पर्टिकुलर प्लेन में है ये चार फेस, ठीक है जी, ये पर्टिकुलर प्लेन जो हमारे को दिख रहा है ये z एक्सिस पे होगा, दिस विल बी एट द z एक्सिस। तो आप ये देख रहे हैं कि कॉर्नर पार्टिकल जो है वो कितने फेस शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार इसकी बात आएगी कि कॉर्नर कितने फेस शेयर करता है बेटा। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि एक कॉर्नर शेयर्स हाउ मेनी फेसेस, वन कॉर्नर शेयर्स शेयर्स 12 फेसेस, वन कॉर्नर शेयर्स 12 फेसेस, वन कॉर्नर शेयर्स 12 फेसेस। ठीक, 12 फेसेस में से चार चार फेस ये शेयर करेगा किसमें, एक्स एक्सिस में चार फेस, वाई एक्सिस में चार फेस, जेड एक्सिस में, तो वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 फेसेस। तो यहां लिख देंगे कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 फेसेस, ठीक, यानी चार, आप ये देख ही रहे हैं, दोबारा देख लीजिए, एक दो तीन चार, चार वाई एक्सिस पे, एक दो तीन चार, चार एक्स एक्सिस पे, ऐसे एक दो तीन चार, चार जेड एक्सिस पे, तो वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 फेसेस, वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, अगर क्यूब्स की बात करेंगे तो 8 क्यूब से शेयर्ड होगा वन कॉर्नर, और अगर आप इसके फेसेस की बात करेंगे तो 12 फेसेस से। अब एक कॉर्नर कितने कॉर्नर्स के कॉन्टेक्ट में होता है, एक कॉर्नर कितने कॉर्नर के कॉन्टेक्ट में होता है, देखिए ध्यान से, ये वाला कॉर्नर जो था एक तो इस कॉर्नर के कंटेक्ट में होगा, एक तो इस एटम के कंटेक्ट में होगा और एक इस एटम के कॉन्टेक्ट में होगा, ठीक, यहां और यहां। इसी तरह से ये कॉर्नर
इस एटम के कांटेक्ट में होगा और इस एटम के कांटेक्ट में होगा, यहां और यहां। इसी तरह से इस एटम के कांटेक्ट में होगा और इस एटम के कांटेक्ट में होगा, यानी यहां और यहां। तो बेसिकली ये जो कॉर्नर है हमारे पास, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो कॉर्नर हमारे पास आ रहा है ये छह एटम्स की कांटेक्ट में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ठीक है, अगर आप बोलो कि मेरे को टचिंग कितने हो सकते हैं, ठीक, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, इजंट इट। उसी तरह से इस कॉर्नर से कितने कॉर्नर जुड़े हुए होते हैं, सो वन कॉर्नर इज ज्वाइंट, वन कॉर्नर इज ज्वाइंट ज्वाइंट टू सिक्स अदर कॉर्नर्स। तो ये तीन प्रॉपर्टीज पहले समझ लो कि मैं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताना शुरू करूंगा, तो तीन प्रॉपर्टी पहले समझ लो कि एक कॉर्नर जो होता है दैट इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, आप यहां देख रहे हैं, ठीक। एक कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 फेसेस, 4 at 1 axis। अ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 6 other corners। अ कॉर्नर इज टच्ड बाय एटम्स एट 6 other corners, मे बी टच्ड बाय, मे नॉट बी, पर कॉर्नर के साथ अगले कॉर्नर जो जुड़ते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसमें कोई दिक्कत है तो फटाफट से बोलिए सर, डाउट है जल्दी बोलिए। सर 6 corners वाला नहीं समझ आया बेटे, ये वाला है तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 ही कॉर्नर होंगे भाई। किसी भी चीज को कहीं पे भी रखोगे उसमें 6, कोई ओरिजिन होता है, ओरिजिन से कितनी एक्सिस निकलती है, ओरिजिन से कितनी जगह पास ऑन होता है, कोई भी ओरिजिन होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं ठीक और आगे पीछे, 6 ही होगा ना भाई, गॉट इट और नॉट? यस सर। अब देखो बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं, अब हम बात करेंगे इन सब कोऑर्डिनेशन नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम, ठीक, रेडियस ऑफ एटम, ठीक, और नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल लेंगे बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बेटा जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो सिंपल क्यूब कैसे बनाया जाता है बेटा? सिंपल क्यूब ऐसे बनाया जाता है कि हमारे पास ये है सिंपल क्यूब, और सिंपल क्यूब का मतलब है एटम सारी कॉर्नर पे, सारे एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। सिंपल क्यूब का मतलब ये होता है कि ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल क्यूब है। अब अगर इसका मैं सिर्फ एक फेस आपको शो करूं, ओनली वन फेस, इसका मैंने सिर्फ एक फेस शो करना है, सो जो एक फेस यहां पे होगा वो तो ऐसे होगा, एक एटम ऐसे, दूसरा एटम ऐसे, तीसरा एटम ऐसे, और चौथा एटम ऐसे। ये 4 एटम ऐसे होंगे बेटा, एक्चुअली तो टचिंग होंगे ना, एक्चुअली दे विल बी टचिंग होंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे टचिंग होंगे बेटा हमारे पास, गॉट इट और नॉट? अब इसमें से एक को अपन रेफरेंस मान लेते हैं जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह देखना है। मान लो इस एटम को लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है जी, यानी ये। अब सबसे पहली बात आएगी कि इससे टचिंग कौन से होंगे और कहां पे होंगे, ठीक है, यानी नियरेस्ट नेबर्स,
नियरेस्ट नेबर्स वो कितने होंगे, पहले तो देखो कहां पे होंगे, इसका नियरेस्ट कौन सा होगा बेटा, या तो ये वाला या ये वाला, ऑब्वियस है ना भाई, यानी नियरेस्ट नेबर आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, आर प्रेजेंट एट नेक्स्ट कॉर्नर, ठीक, जैसे यहां इधर है तो नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट कॉर्नर पे है, यहां नेक्स्ट कॉर्नर पे है, नेक्स्ट कॉर्नर वो भी एडजेसेंट वाला, एडजेसेंट कॉर्नर जो होगा उस पे इसका नियरेस्ट एटम लाए करेगा, ठीक है जी। और अब उसका कितने एटम होंगे, कॉर्डिनेशन नंबर वन, अब मैंने बोला वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी कॉर्नर्स, वन कॉर्नर आर जॉइंट टू हाउ मेनी कॉर्नर्स, दैट इज सिक्स, तो ऑटोमेटिकली इसके आसपास कितने होंगे, सिक्स। कैसे होंगे सर ये भी बता दो, देखो बेटा एक तो ये, एक ये, दो तीसरा ये, ठीक, तीन और बेटे इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक यूनिट सेल है, ऐसे होगा तो ये देखो एक दो तीन चार पांच छह, वही दो आगे दो पीछे, दो एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे और एक दाएं और बाएं, तो वैसे ही यहां पे हमारे पास कॉर्नर इज जॉइंट टू सिक्स अदर कॉर्नर्स, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर वन इज, कोऑर्डिनेशन नंबर वन इज सिक्स। ये क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर वन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वन सिक्स होगा, दैट इज अल्टीमेटली क्लियर, ठीक है जी। अब बात करते हैं डिस्टेंस, ये पहली बात थी, ये दूसरी बात थी, अब बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस। देखो बेटा डिस्टेंस जब हम देखते हैं ना, डिस्टेंस का मतलब होता है एक के सेंटर से लेकर के दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस, दिस विल बी द डिस्टेंस, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस। अब ऑब्वियसली ये एक तरह से एज लेंथ होती है, तो इसको हम एज लेंथ के बराबर लिखेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम इज इक्वल टू ए, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। अब डिस्टेंस ये हो गया, अब बात करेंगे रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग पैकिंग, रेडियस कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली रेडियस इसका हाफ होगी, आप देख ही रहे हैं रेडियस इसका हाफ होगी, यानी हमेशा याद रखना डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम का हाफ वो रेडियस होती है, नियरेस्ट एटम चिपके हुए होते हैं और डिस्टेंस उसके रेडियस उसका डिस्टेंस का आधा ले लोगे तो रेडियस आ जाएगी, इसलिए रेडियस ऑफ एटम कम्स आउट टू बी ए बाय टू। तो पहली बात हो गई कि जो नियरेस्ट नेबर एटम्स है दे आर प्रेजेंट एट नेक्स्ट एडजेसेंट कॉर्नर, नेक्स्ट एडजेसेंट कॉर्नर, और एक कॉर्नर के साथ छह कॉर्नर जुड़े होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सिक्स होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा, और डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम क्योंकि वो वन के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एच लेंथ, दैट इज ए, और रेडियस जो होगा वो ए बाय टू होगा। तो ये पहली बात हमारे पास आ जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट बात देखिएगा, ठीक, नेक्स्ट बात है हमारे पास नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, ठीक है जी बच्चों। अब नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कहां प्रेजेंट होगा, इसका नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा है, इसका नियरेस्ट तो ये हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट क्या इसका अगला नियरेस्ट ये नहीं होगा, क्या इसका अगला नियरेस्ट ये नहीं होगा, ये इसका चिपका हुआ है, ये उससे थोड़ा दूर पर नेक्स्ट नियरेस्ट ये होगा, यानी नेक्स्ट नियरेस्ट एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ इट्स डायगोनल, एट द कॉर्नर ऑफ फेस डायगोनल, बेटा फेस डायगोनल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, दिस विल बी प्रेजेंट, देखो यहां से अगर मैं यहां लगा दूं फेस डायगोनल, तो यहां फेस डायगोनल है ना भाई,
उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा कि नहीं, तो फेस डायगोनल के कॉर्नर पे, जैसे यहां देखिएगा ये वाला नेक्स्ट नियरेस्ट होगा, सो दैट विल बी एट द फेस डायगोनल, कॉर्नर ऑफ द फेस डायगोनल नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। एंड नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर टू, यानी नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होंगे, देखो बेटे हर फेस के डायगोनल पे प्रेजेंट होगा, एंड वन कॉर्नर इज शेयर बाय हाउ मेनी फेसेस, बेटा वन कॉर्नर इज शेयर बाय 12 फेसेस, इसीलिए मैंने पहले ये क्लियर किया, एवरी कॉर्नर इज शेयर बाय 12 फेसेस, और हर फेस के डायगोनल पर ये प्रेजेंट होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर टू कितना होगा, 12 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर टू कितना होगा, 12 होगा, क्लियर बच्चे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टू 12 हो गया। अगली बात, इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द नेक्स्ट नियरेस्ट, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल, अब नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल की बात करेंगे आप, तो बेटा ये फेस डायगोनल यहां से यहां तक लेके ये क्या आ गया, फेस डायगोनल आ गया, तो फेस डायगोनल कितना होता है बेटा, हम सभी जानते हैं रूट टू ए, फेस डायगोनल किसके बराबर होता है, रूट टू ए, बड़ी बार निकाल के बता दिया है आपको। तो बेटा सिंपल यूनिट सेल की अगर बात करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो उसमें नियरेस्ट नेबर जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट नेक्स्ट कॉर्नर पर। एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर वन क्या होता है, सिक्स, क्योंकि वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय, वन कॉर्नर इज ज्वाइंड बाय सिक्स कॉर्नर्स, डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, यानी एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक, दैट इज एज लेंथ, एज लेंथ ये होती है, रेडियस उसका आधा ए बाय टू। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कहां प्रेजेंट होगा, ये इसके साथ चिपके हुए नियरेस्ट है, तो नेक्स्ट कहां पे आएगा, एट द कॉर्नर ऑफ फेस डायगोनल, एट द कॉर्नर ऑफ फेस डायगोनल, ये फेस के डायगोनल पे, और क्योंकि एक कॉर्नर 12 फेसेस से शेयर्ड होगा भाई, वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 फेसेस, और हर फेस के डायगोनल पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर फेस के डायगोनल पे प्रेजेंट होगा। अरे भैया अगर एक कॉर्नर 12 फेसेस से शेयर्ड है और हर फेस के डायगोनल पे उसका एक नेक्स्ट नियरेस्ट है, तो टोटल मिला के नेक्स्ट नियरेस्ट कितने आ गए, 12 ही तो आ गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टू क्या हो गया, 12। और रही बात फेस डायगोनल, आपने हर बार निकाली है, आपको हजार बार बता चुका हूं कि फेस डायगोनल हमेशा रूट टू ए के बराबर होती है, वेयर ए इज एज लेंथ, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट नियरेस्ट एटम जो होगा उसका डिस्टेंस होगा वो रूट टू ए होगा। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं, यस लिखना क्विकली, जल्दी, जिसको नहीं आया वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर टू दोबारा बता दो। आप कौन बोल रहे बेटे? सर अनुष्का। अनुष्का बेटे मैंने कितनी बार बोला बेटा कि कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 फेसेस और हर फेस के डायगोनल पे बेटे पड़ा हुआ है ये नेक्स्ट नियरेस्ट, तो भैया अगर 12 फेसेस से है तो हर फेस के डायगोनल पे तो 12 ही होंगे ना बेटा। आपको यह बताया कि कॉर्नर में 12 फेस होते हैं, 12 फेस से शेयर होता है, कैसे, आपको ये 1 2 3 4 ऑन दी वाई एक्सिस, 1 2 3 4 4 ऑन दी जेड एक्सिस, वैसे 1 2 3 4 4 ऑन दी जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे चार चार फेस जो होते हैं वो एक कॉर्नर से जुड़े होते हैं और हर कॉर्नर आगे हम बोल रहे हैं कि उसका नेक्स्ट नियरेस्ट आइटम कॉर्नर के डायगोनल पे है, फेस के डायगोनल पे, तो फेस हमारे पास 12 है, तो मैंने यहां लगाया, यहां लगाया, इसी तरह यहां लगाया, इसी तरह यहां लगाया इधर कॉर्नर पे, इसी तरह इस कॉर्नर पे लगाया होगा इस कॉर्नर पे, तो जितने भी फेस शेयर हो रहे होंगे उन फेस के कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे ना। अब शेयर हो रहे 12 फेस तो हर कॉर्नर पे है तो 12 ही हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर टू। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, अब अगली बात करते हैं, ये सिंपल क्यूबिक हो गया था, सिंपल क्यूबिक के बाद ये एक या चैट में माइक ऑन करके पूछो क्या पूछना चाह रहे हैं। यस सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। ओके ओके, नेक्स्ट बार देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास होता है
फेस सेंटर्ड क्यूबिक, नेक्स्ट हमारे पास होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब पहले फटाफट से फेस सेंटर क्यूबिक एक बार बना लेते हैं ठीक, ताकि हमें समझ में आ जाए। फेस सेंटर क्यूबिक को कैसे बनाओगे भाई? ऐसे करके हमारे पास एक तो ये रहेगा भाई, ठीक है। अब इसके फेस सेंटर मतलब पहले कॉर्नर पे तो पार्टिकल लगाओगे, सारे पार्टिकल कॉर्नर पे तो लगाओगे ही, लो जी कॉर्नर पे पार्टिकल आपने लगा दिए, अब हर फेस के सेंटर पे भी लगाओगे ही, ये लगा दिया इस फेस के सेंटर पे, ये 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 अगले वाले फेस के सेंटर पे और ये पिछले वाले फेस के सेंटर पे, ठीक है जी। अब देखो अगर हम इसको इसका फेस देखते हैं तो हम इसका फेस कुछ ऐसे देखेंगे ठीक, कैसे देखेंगे कि एक एटम तो जो है वो ये हमारे पास फेस के सेंटर में है, पर ये जो फेस के सेंटर वाला एटम है क्या ये कॉर्नर वालों को आपस में चिपकने देगा? ऑब्वियसली नहीं चिपकने देगा, फेस के सेंटर वाला जो है कॉर्नर वाले पार्टिकल को आपस में चिपकने नहीं देगा, लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, तो ये चिपकने नहीं देगा बिल्कुल भी। अब बेटे ये तो हो गया इसका फेस, ये इसका फेस मैंने दिखाया बना करके ठीक। अब हम बात करेंगे इनकी वही सारी प्रॉपर्टीज को लेकर के, पर इसमें एक बात ये आ जाती है कि बेटा दो तरह के पार्टिकल है, या तो कॉर्नर वाला या फेस के सेंटर वाला, हमें कोई एक मान के चलना होगा जिसका नेक्स्ट डेज देखेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं इसमें विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर पार्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर पार्टिकल, जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है पहले उसको रेफरेंस ले लिया मैंने, यानी मैं इसका नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट देख रहा हूं, यानी मैं इसका नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट देख रहा हूं, ठीक है जी, क्लियर। अब देखो बेटे इसका नियरेस्ट बताओ कौन सा है, ऑब्वियसली इसका नियरेस्ट ये है कि नहीं, इसका नियरेस्ट कहां पे है? फेस के सेंटर पे। तो सबसे पहली बात आई कि नियरेस्ट नेबर जो है, यानी जो टचिंग है, नियरेस्ट नेबर वो प्रेजेंट कहां है? प्रेजेंट एट फेस सेंटर, एट फेस सेंटर, ठीक, सेम फेस के सेंटर पे होगा और फेस सेंटर पे नियरेस्ट नेबर इसका होगा। बोलो बेटे क्लियर होता है कि ये कहां पे होगा? एम आई क्लियर और नॉट? ठीक, अब बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, अगर कॉर्नर के नियरेस्ट एटम फेस के सेंटर पे है तो वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी फेसेस? वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी फेसेस? 12। और इसीलिए हम ये बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इज 12, क्योंकि ऑब्वियसली हर कॉर्नर जो होगा, हर कॉर्नर जो होगा दैट इज शेयर्ड बाय, दैट इज उसका नियरेस्ट एटम है एट दी फेस सेंटर, एंड ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 फेसेस, तो हर फेस के सेंटर में इसका नियरेस्ट होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इसका 12 होगा, ठीक। बेटे जिन बच्चों को
इसमें प्रॉब्लम आती थी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और वो एफसीसी कैसे बनाता है। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि एफसीसी बनता ही तभी होता होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है 12 होता है, तो एफसीसी ही बनता होगा पक्का। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 1 जो है इसका 12 होगा। अब आ जाओ डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कहां से कहां देखेंगे बेटा? देखो डिस्टेंस हम देखेंगे यहां से इसके सेंटर तक। अगर ये देखा जाए ये तो फेस डायगनल का आधा हो गया, इजंट इट? इज दिस द हाफ ऑफ फेस डायगनल? यस इट इज हाफ ऑफ फेस डायगनल। इसमें डिस्टेंस होगा फेस डायगनल का आधा। तो फेस डायगनल जो होती है उसकी क्या वैल्यू होती है भाई? फेस डायगनल की वैल्यू रूट टू ए, तो उसका आधा यानी रूट टू ए अपॉन टू, रूट टू ए अपॉन टू, ठीक। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए बाय रूट टू, ए की तो बात है, ऐसे लिख ले ए की तो बात है। तो डिस्टेंस जो आ जाएगा रूट टू ए अपॉन टू या ए अपॉन रूट टू होगा, ये डिस्टेंस होगा। और रही बात रेडियस, इसका भी हाफ लेंगे, रेडियस इसका भी हाफ लेंगे, यानी इसका हाफ रूट टू ए अपॉन टू डिवाइडेड बाय टू, यानी हम लिख सकते हैं रूट टू ए अपॉन फोर, और या फिर लिख सकते हो ए अपॉन टू रूट टू, दोनों में से कुछ भी लिख लो। चाहो तो आप ऐसा लिख लो रूट टू ए अपॉन फोर या फिर ए अपॉन टू रूट टू, ये रेडियस हो गई। तो देखो बेटे नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस निकल आया, कोऑर्डिनेशन नंबर आया, डिस्टेंस भी आ गया ठीक, उसका रेडियस भी आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर चल रहा हूं अभी मैं, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर चल रहा हूं ठीक। तो बेटा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहां प्रेजेंट होगा बेटे? अगर ये इसका नियरेस्ट है तो नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली नेक्स्ट कॉर्नर इजंट इट? तो नेक्स्ट नियरेस्ट जो होगा वो कहां पे होगा? दैट विल बी प्रेजेंट एट नेक्स्ट कॉर्नर, दैट विल बी प्रेजेंट एट नेक्स्ट कॉर्नर, ये नेक्स्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट नियरेस्ट विल बी प्रेजेंट, ठीक, क्लियर, एट नेक्स्ट कॉर्नर। एंड वन कॉर्नर कितने कॉर्नर से जुड़े हुए होते हैं, जल्दी बोलो, वन कॉर्नर कितने कॉर्नर से जुड़े होते हैं? वाह यार अनिकेत पढ़ा थक जाओ तुम्हारे को। वन कॉर्नर इज जॉइंट टू सिक्स कॉर्नर्स, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो कितना होगा? इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर टू जो होगा वो सिक्स होगा। एक कॉर्नर के आसपास छह कॉर्नर जुड़े होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टू जो होगा वो सिक्स होगा। और इसका डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल। तो बेटा कॉर्नर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ए, यानी एज लेंथ। तो विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम नियरेस्ट एटम इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर एंड वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 faces, hence coordination number 1 is 12. Distance as it is present in between, yani at the middle of face diagonal is root 2 a, uske aadhe mein hai, to root 2 a by 2 ho gaya, yani a by 2 root 2, a by root 2 rather, aur radius uska half hua karta hai,
तो a बाय टू रूट टू। नेक्स्ट नियरेस्ट एटम देखते हैं अगला, तो वो बेटे प्रेजेंट एट द नेक्स्ट कॉर्नर, और नेक्स्ट कॉर्नर पे जो होगा वो कितने, एक कॉर्नर कितने कॉर्नर से जुड़े हैं, छह से, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर टू क्या होगा, सिक्स, और डिस्टेंस जो होगा नेक्स्ट पार्टिकल का वो a होगा। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? किसी को कोई डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं राइट नाउ। यस, किसी को कोई डाउट हो? सर एक बार ये बता दो, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल एक ऐसा है, या एक यहां से यहां का डिस्टेंस, ये जो है ये क्या लिखते हो तुम्हें, व्हाट यू राइट इट, बोलो इस चीज को क्या लिखते हो? ए सर। तो फिर यही मैंने लिखना है, और क्या लिखना है? ओके सर, आगे। ठीक, तो ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू, यू कैन से हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर पार्टिकल। अब अगली बात करते हैं, यहीं पर एक बात और समझा देता हूं। अगर मान लो मैं इसको रेफरेंस ना ले करके, इसको रेफरेंस ना ले करके फेस सेंटर रेफरेंस ले लेता, मान लो अभी मेरे को इसको रेफरेंस नहीं लेना है, मुझे फेस सेंटर को रेफरेंस लेना है, ठीक है जी, फेस सेंटर को रेफरेंस लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू फेस सेंटर बेटा, फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर देखें कुछ भी चेंज नहीं हुआ करता, क्योंकि ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा या कुछ भी, वो नहीं होता, लेकिन लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, सिर्फ पोजीशन, लोकेशन चेंज होती है। जैसे अगर मैं बोलूं ये मार्कर इस मार्कर के कहां पे राइट है, तो भैया ये मार्कर इस मार्कर के कहां पे होगा, लेफ्ट पे, पोजीशन चेंज होगी ना विद रिस्पेक्ट टू इच अदर, है ना? पर ऐसा तो नहीं इसके आसपास भी यही है, इसके आसपास भी यही है, यानी बाकी चीजें चेंज नहीं होती सिवाय लोकेशन के, तो वो समझने की करते हैं कोशिश। अब विद रिस्पेक्ट टू फेस सेंटर का सबसे पहले बोलो फेस सेंटर का नियरेस्ट कौन सा होगा, नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा बेटा? फेस सेंटर का नियरेस्ट नेबर होगा ये कॉर्नर पे, यानी नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स या स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट पहली बात तो कॉर्नर्स। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो अदरवाइज जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगी, ध्यान देना इधर ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। बिट देखो, जितना डिस्टेंस इसका यहां से यहां होता है ना, कॉर्नर से फेस सेंटर, जितना डिस्टेंस कॉर्नर से फेस सेंटर होता है ना, उतना ही डिस्टेंस एक फेस सेंटर से दूसरे फेस सेंटर तक होता है। ये डिस्टेंस दोनों बराबर है? सर मैं नहीं मानता ये बराबर है, ये तो मेरे को पास लग रहा है, दूर लग रहा है। लेट मी प्रूव दैट। उसको प्रूव करने के लिए पहले तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा। हमें पता है ये रूट टू ए अपॉन टू होगा, होगा कि नहीं होगा ये तो जानते हो, क्योंकि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये फेस डायगोनल का आधा है, तो इट इज रूट टू ए अपॉन टू होगा ना भाई। अब मुझे ये प्रूव करना है, ये वाला जो है ये भी रूट टू ए अपॉन टू है, ये प्रूव करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ऐसा, ठीक, इसको दो मिनट के लिए मैं अभी भूल गया, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ऐसा, ठीक है जी, कैसे वाला, यहां से इसको जोड़ा, ठीक है जी, क्लियर। और इसको नाम लिख दिए हमने, नाम क्या लिखा, से इसको मैंने ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, और इसको मैंने सी बोल दिया,
ठीक है जी, ए बी सी. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ठीक है, अब ए बी यहां पे कितनी है, यहां पे ए बी कितनी है? देखो बेटे बहुत सिंपल है, यहां से यहां तक अगर पूरा देखते तो वो पूरी एज लेंथ होती ए, ये उसका आधा है, हाफ है ना, तो क्या आएगा ए बाय टू, क्या आएगा ए बाय टू, क्लियर हो रहा है, ये ए बाय टू. और सिमिलरली बीसी अगर यहां से यहां पूरा लिखते तो ए होता, पर ये भी आधी है, यहां से यहां तक है, तो बेटा जो बीसी है वो भी ए बाय टू है, बीसी भी ए बाय टू है. तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय टू का होल स्क्वायर प्लस ए बाय टू का होल स्क्वायर. ठीक है, दैट मीन्स कि एसी का स्क्वायर, दैट मीन्स एसी का स्क्वायर, इसका मतलब है कि एसी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा किसके बराबर, ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, दैट इज टू ए स्क्वायर अपॉन फोर, टू ए स्क्वायर अपॉन फोर, यही होगा भाई कि नहीं होगा? तो जो एसी होगा, जो एसी होगा वो रूट ऑफ टू ए स्क्वायर अपॉन फोर होगा, यानी रूट टू इंटू ए अपॉन टू, रूट टू इंटू ए अपॉन टू, यही निकला कि नहीं निकला, बोलो यही निकला कि नहीं निकला? और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होता था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होता था, रूट टू ए अपॉन टू. अब ये देखने में नहीं समझ में आता है, पर बड़े मजे की बात है कि जो कॉर्नर का पार्टिकल फेस सेंटर से जितना दूर होता है, एक फेस सेंटर का एडजेसेंट फेस सेंटर से उतना ही दूर होता है पार्टिकल, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी, अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट को डी लिख दूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एडी शुड बी इक्वल टू एसी, क्योंकि दोनों की वैल्यूज रूट टू ए अपॉन टू है या ए अपॉन रूट टू है, दोनों की वैल्यूज बराबर है. इसलिए हमें ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में बोले तो नियरेस्ट पार्टिकल जो होंगे दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एडजेसेंट फेस सेंटर्स, एडजेसेंट फेस सेंटर्स, यानी जब ये फेस सेंटर का पार्टिकल इसके नियरेस्ट है जितना ये है उतना ये है, तो भैया एडजेसेंट फेस के सेंटर भी तो होंगे, बोलो क्लियर? अरे जल्दी बोलो क्लियर और नॉट? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है ठीक, तो ऑब्वियसली नंबर तो वही रहना है. कैसे? अब देखो बेटा, इसका मतलब अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वन निकालते इसका भी, तो चार तो एक दो तीन चार, ये तो चार यही कॉर्नर के होते ठीक, चार यही कॉर्नर के होते, और इसका जुड़े हुए एडजेसेंट फेस कौन से होते, देखो इसके साथ एडजेसेंट फेस एक दो तीन चार, यानी पीछे वाला एक, अगले वाला एक, ये वाला एक, ये वाला चार, ये फेस इधर चार, इसी तरह ऊपर, तो चार ये चार है, और चार अपने उसके टोटल मिला के कितने होने थे, बारह ही होने थे ना, डिस्टेंस हमारे को प्रूव हो ही गया कि उतना ही होना था. ठीक है जी, यानी आप इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट एटम जो है फेस सेंटर के रिस्पेक्ट में वो कौन सा है, वो है कॉर्नर एंड एडजेसेंट फेस सेंटर्स, कॉर्नर एंड एडजेसेंट फेस सेंटर्स. यानी अगर बेटे मैंने
यहां पे एक रखा पार्टिकल, तो इसके नियरेस्ट हो गए ये 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 ये, और इसी में इस वाले क्यूब के ऊपर एडजेसेंट चार और नीचे एडजेसेंट चार, यानी देखो ना बेटा ये वाला फेस है इससे एडजेसेंट फेस, ये जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ फेस, ये जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, तो चार हो गए ना भाई, चार इसके एडजेसेंट फेस के नीचे, चार इसके एडजेसेंट फेस के ऊपर और चार अपनी ही लेयर के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 ही रहना है और उसका डिस्टेंस भी वही रहना है, बाकी सारी प्रॉपर्टी वही रहनी है, सिर्फ लोकेशन। ये बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलो, किसी को पूछना है तो माइक ऑन करके पूछें। ओके, अब हम बात करेंगे यहीं पर विद रिस्पेक्ट टू, ये मिटा दू नीचे वाला, ये प्रूफ किया था मैंने, ये मिटा दू, ये प्रूफ जो है ये तो तुम कर सकते हो, मिटा दू ना ये मैं। ओके, बाकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। अगली बात, अगर मैं बोलता हूं इसका नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल इज प्रेजेंट, पार्टिकल आर प्रेजेंट, नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल इज प्रेजेंट, इसका ये सारे नियरेस्ट हो गए, तो नेक्स्ट नियरेस्ट सीधे ऑपोजिट फेस का सेंटर, नेक्स्ट नियरेस्ट प्रेजेंट एट ऑपोजिट, ऑपोजिट फेस सेंटर, बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि एडजेसेंट वाले इसके साथ है, ऊपर वाले एडजेसेंट इसके साथ है और अपने लेयर वाले साथ है, तो बिल्कुल ये सेकंड कौन सा आ गया, नेक्स्ट वन। ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ए ही होना है, और इसके भी एक्स एक्सिस पे दो, वाई एक्सिस पे दो, जेड एक्सिस पे दो, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो वही छह ही आना है, बाकी प्रॉपर्टीज चेंज रहती हैं, बाकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम एंड विद रिस्पेक्ट टू फेस सेंटर्ड एटम, बोलो बच्चे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बोलना, यस सर। ओके, तो ये तो था बेटा फेस सेंटर, ये था फेस सेंटर, अब फेस सेंटर से आगे चलते, मिटा दूं इसको बेटा, किसी को कुछ पूछना है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ पूछना है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अगली बात, अगला हमारे पास होता है बॉडी सेंटर्ड, नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब, हमने सिंपल पढ़ लिया, हमने फेस सेंटर क्यूब पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तो अगला हमारे पास आ गया बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अब बॉडी सेंटर में सारे कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, सारे कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, और एक है बॉडी के सेंटर पे, एक है बॉडी के सेंटर पे। अब एक बात बताओ, क्या ये बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल
ये फेस वालों को चिपकने देगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर तो धकेलेगा ही। यानी अगर मैं इसका फेस देखूंगा, अगर मैं इसका फेस देखूंगा, तो इसका फेस ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका फेस कुछ कुछ ऐसे नजर आएगा। ये पर ये चिपका हुआ बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसके नीचे से ना, इसके बिल्कुल नीचे, इसका मतलब यूं कहें फेस का सेंटर नहीं, इसके नीचे बॉडी के सेंटर में, हमें वो बॉडी के सेंटर वाला ऐसे ऐसे नजर आ रहा, छुपा हुआ इसके नीचे, ठीक है ना जी, बिल्कुल इसके नीचे छुपा हुआ होगा वो। यानी ये वाला, ये इनको थोड़ा थोड़ा दूर धकेलेगा जिससे चिपकने का चांस नहीं है। हाँ, ये वाले इसके साथ चिपके हुए होंगे, ये वाले इसके साथ चिपके हुए होंगे, पर ये फेस वाले आपस में चिपके हुए नहीं होंगे। ये जो नीले वाला स्फीयर बनाने की मैंने कोशिश की है, इन चार के साथ चिपका है, नीचे इन चार के साथ चिपका है, ठीक है जी, ऊपर भी चार के साथ चिपका है, नीचे भी चार के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। बट हमेशा ये जरूर समझ लेना है, ठीक है, चिपका चार चार के साथ है, लाइक दिस, थोड़े ऐसा हो गया साइज इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। तो बेटा हमारे पास, मैंने कहा कि ये वाला, ये जो ब्लू वाला है, ये ऊपर चार और नीचे चार से चिपका हुआ है, बट ये और ये आपस में चिपके हुए नहीं है, ये पहली बात समझ। अब सबसे पहली बात हम करेंगे, इसमें भी दो चीजें आ गई, या तो विद रिस्पेक्ट कॉर्नर देखें या विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर देखें। चलिए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर पहले देखें, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल, बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल सबसे पहले देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल। देखो बेटा, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर, अगर हम बात करें नियरेस्ट एटम्स या नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स या नेबरिंग पार्टिकल्स, नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स, वो कहां प्रेजेंट है? Obviously, इसको चिपका हुआ या तो ये है, 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 और या तो ये है। कहने का मतलब है एट द कॉर्नर्स, तो प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक, nearest neighboring particles are present at the corner, ठीक है जी, एक बात यह होती है। अब कॉर्नर पे है तो कितने कॉर्नर, बॉडी सेंटर के आसपास कितने कॉर्नर होंगे? ऑब्वियसली एट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वन जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वन जो होगा वो एट होगा, सिंपल, कोऑर्डिनेशन नंबर वन हेयर इज एट, तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर वन एट हो जाएगा। अब डिस्टेंस की बात करते हैं भाई, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल, नियरेस्ट पार्टिकल का डिस्टेंस बोले। आप देखो, ये बेसिकली देखा जाए तो बॉडी डायगोनल के हाफ में है, दिस इज प्रेजेंट एट द हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, कहां प्रेजेंट है? हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल में। एक बात बताओ, बॉडी डायगोनल किसके बराबर होती है? बॉडी डायगोनल किसके बराबर होती है भाई? यस, रूट थ्री ए, और ये उसका आधा, ये उसका आधा, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट थ्री ए अपॉन टू। तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम जो हो गया वो रूट थ्री अपे ए अपॉन टू हो गया, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम इज रूट थ्री ए अपॉन टू। रेडियस, मैं बार बार बता चुका हूं, रेडियस इसका भी हाफ होता है, तो
तो रेडियस इसका हाफ कर देंगे, रूट थ्री ए अपॉन फोर हो जाएगा. तो विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर, नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कोऑर्डिनेशन नंबर वन इज एट, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पार्टिकल इज रूट थ्री ए अपॉन टू, एंड रेडियस इज रूट थ्री ए अपॉन फोर. ठीक है जी. अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स. नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स, अगले पार्टिकल्स की बात करेंगे. नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स की अपन बात करेंगे. देखो बेटा, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा इसका? अगर ये है, यानी अगर ये बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है, उसके ये चार ऊपर चार नीचे, तो नेक्स्ट नियरेस्ट एट सेट अगले बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा. कहां पे? नेक्स्ट बॉडी सेंटर. तो बेटा प्रेजेंट, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम इज प्रेजेंट एट नेक्स्ट बॉडी सेंटर अगले बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा, यानी यहां से अगला बॉडी सेंटर, जैसे इसी क्यूब को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरा क्यूब बनाएंगे, उसके बॉडी के सेंटर में जो प्रेजेंट होगा वो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट होगा. ऑब्वियस सी बात है, उसका अगर हम नंबर देखेंगे तो भैया एक इधर वाले सेल में, एक ऊपर वाले सेल में, एक नीचे वाले सेल में, एक आगे वाले सेल में, एक पीछे वाले में. ऑब्वियसली वही बात कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर टू यहां पे क्या आ जाएगा? सिक्स आ जाएगा. ठीक, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे. ठीक, बॉडी के सेंटर्स. और उसका जो डिस्टेंस होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस, देखो भाई यहां से यहां तक एक आधा, और यहां से यहां एक आधा, और यानी ये टोटल मिला के क्या हो गया? ए. बड़ा सिंपल है ना यार, यहां से यहां तक क्या होगा? ए बाय टू. और उससे आगे चले जाओगे ठीक अगले सेल में, तो भी ए बाय टू और जुड़ेगा, ए बाय टू और ए बाय टू, कुल मिला के ए. तो बेटा जी, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर पार्टिकल, नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल कहां है? प्रेजेंट एट द कॉर्नर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज एट, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पार्टिकल इज रूट थ्री ए बाय टू, रेडियस क्यूब रूट थ्री ए बाय टू, क्योंकि ये एट द सेंटर ऑफ बॉडी डायगनल है, बॉडी डायगनल के सेंटर पे प्रेजेंट है. तो बेटा बॉडी डायगनल होती रूट थ्री ए, उसका डिवाइड बाय टू, और रेडियस उसका भी हाफ, तो हमने रूट थ्री ए बाय टू का रूट थ्री ए बाय फोर कर दिया. तो नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल जो होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल दैट इज एट द नेक्स्ट बॉडी सेंटर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स एंड डिस्टेंस इज ए. क्लियर? सर डिस्टेंस ए वाला नहीं समझ आया, जो नेक्स्ट नियरेस्ट वाला बताया. यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता कितना हुआ? यहां से यहां तक का ए बाय टू. ए बाय टू. अब मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस बता, यहां से यहां का क्या होगा? ओके सर, समझ गए. ये भी ए बाय टू, ये भी ए बाय टू, तो ए बाय टू प्लस ए बाय टू इज ए ना? यस सर. ठीक, कोई डाउट किसी और बच्चे का? ओके, अब दूसरी बात कर लेते हैं. With respect to corner, अब मैंने corner मान लिया, ये लो corner particle के respect में देखो, ये है corner particle, इधर ध्यान देना भाई, ये corner. तो corner का जो, अगर ये corner है, इसका nearest atom कहाँ present होगा? At body center. यही होगा ना भाई, क्योंकि ये तो पास नहीं होंगे, यही चिपका हुआ होगा. अरे बॉडी के सेंटर वाला ही चिपका हुआ होगा, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर पार्टिकल. अगर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर पार्टिकल की बात करें, तो बेटे नियरेस्ट पार्टिकल्स आर एट क्या होगा? बॉडी सेंटर, एट द बॉडी सेंटर ठीक ऑफ द क्यूब. नाउ
कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी क्यूब्स? कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, तो हर क्यूब के सेंटर में ऐसा पार्टिकल होगा, तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 1 फिर भी 8 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? एक कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी क्यूब्स, मैंने पहले इसीलिए करवा दिया था, वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, 8 क्यूब से, और हर क्यूब के सेंटर में इसका नियरेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 1 तो 8 ही रहना है, वो चेंज नहीं हुआ करता, सिर्फ लोकेशन चेंज होती है, और उसका डिस्टेंस भी, क्योंकि वो बॉडी के डायगोनल के बीच में रहना है, डिस्टेंस भी उतना रहना, √3a/2, वो सब कुछ सेम। ये तो हो गया नियरेस्ट आइटम, और नेक्स्ट नियरेस्ट, अब इसका ये नियरेस्ट, तो नेक्स्ट नियरेस्ट बोलो ना यार, तो नेक्स्ट नियरेस्ट इसका जो होगा वो कौन सा होगा बेटा? नेक्स्ट नियरेस्ट इसका ये वाला, एट नेक्स्ट कॉर्नर, तो नेक्स्ट नियरेस्ट एट नेक्स्ट कॉर्नर, और ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस ए होता है, तो ए तो है ही है, और ऐसे ही इसके कॉर्नर कितने जुड़े होते हैं इसका, 6, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ क्या चीज होती है, लोकेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो बोलो बेटा, एडजेसेंट एटम का डिस्टेंस, ठीक, नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस, ये सारा कुछ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी मैं मिटा रहा हूं, फिर तुम पूछोगे तो पहले पूछ लो, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो फटाफट। अनीश क्या पूछना चाह रहा है यार, माइक ऑन करके पूछ लेना। सर नेट लैग हो गया था, कॉर्नर के ऊपर जो बॉडी सेंटर का समझा रहे हो उसमें 8 कैसे आया कोऑर्डिनेशन नंबर, एक बार वो बता दो। कॉर्नर कितने कितने क्यूब से शेयर्ड है? 8 सर। तो हर हर बॉडी के सेंटर पे क्या होगा इसका नियरेस्ट, तो 8 बॉडी के सेंटर इसके पास होंगे कि नहीं? 8 क्यूब से शेयर है, हर क्यूब का बॉडी सेंटर इसका नियरेस्ट होगा कि नहीं? यस सर। तो फिर कितने पास हुए इसके? 8 सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 क्या हुआ? 8। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। और नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा हो गया? एट द नेक्स्ट कॉर्नर। नेक्स्ट कॉर्नर, तो अभी हजार बार बोल दिया, वन कॉर्नर इज जॉइंड बाय हाउ मेनी कॉर्नर्स? 6 कॉर्नर्स, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इज 6। यहां से यहां का डिस्टेंस ए, तो ये ए हो जाएगा। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट प्लीज आस्क अगेन, माइक ऑन करो और पूछ लो। ओके, सो आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया है, ठीक, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इन सारी चीजों को अभी जो हमने किए इसको अपन जॉट डाउन करेंगे और एक कॉमन टेबल बनाने की करेंगे कोशिश, ठीक। और वो कॉमन टेबल क्या बनाएंगे, ध्यान से देखते हैं क्या बनाएंगे कॉमन वाला टेबल इसमें। और फिर करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, कि किस तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं एंड हाउ वी डू दैट क्वेश्चंस, ठीक। चलिए अब हम जो टेबल बनाएंगे, देखिए उस टेबल में सबसे पहले तो यहां लिखेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है जी। दूसरे लिखेंगे पोजीशन ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल, ठीक है जी। तीसरी चीज लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 1, चौथी चीज लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल, फिर लिखेंगे रेडियस, ठीक, फिर लिखेंगे रेडियस, फिर लिखेंगे पोजीशन ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट, पोजीशन ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल, ठीक, फिर उसका लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2,
और फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट ठीक पार्टिकल। ठीक है जी, हम ये लिखेंगे बेटा। तो सबसे पहला जो हमारे पास होता था वो होता था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहला सिंपल क्यूब, ठीक है जी। नियरेस्ट पार्टिकल सिंपल क्यूब का कहां प्रेजेंट होता था? एट एडजेसेंट कॉर्नर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? 6। डिस्टेंस क्या होता था? a। रेडियस क्या था? a बाय 2। पोजीशन ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट एट कॉर्नर ऑफ फेस डायगनल, एट कॉर्नर ऑफ फेस डायगनल। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इज 12, क्योंकि 1 कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 12 फेसेस। एंड डिस्टेंस अब हमें पता था, इट इज a बाय, हम क्या लिख सकते थे? फेस डायगनल का हम यहां ले रहे हैं कॉर्नर ऑफ फेस डायगनल। ठीक, तो बेटा यहां पे रूट 2a, डिस्टेंस जो आ जाएगा रूट 2a। ठीक है जी, ये सिंपल क्यूब था। दूसरा हमारे पास था फेस सेंटर, FCC, फेस सेंटर। अब उसमें हमने दो चीजें देखी थी, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर पार्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर पार्टिकल। कॉर्नर पार्टिकल के जो नियरेस्ट थे वो कहां थे? एट फेस सेंटर्स, एट फेस सेंटर। इसीलिए उसका जो डिस्टेंस था, यानी फेस सेंटर थे तो आपको पता था ये 12, हर कॉर्नर जो होगा वो 12 फेसेस से शेयर होगा और हर फेस के सेंटर पे उसका पास होगा, पास वाला पार्टिकल होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 12 लिया था। और फेस डायगनल का हाफ इज रूट 2 ए अपॉन 2, या फिर इसको ए अपॉन रूट 2 लिखते हैं। ठीक है जी, और ये जो हो जाएगा वो ए अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा रेडियस। पोजीशन ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, दैट इज 6। ठीक, दो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, डिस्टेंस इज a। इसी तरह से आप ये बोल सकते थे विद रिस्पेक्ट टू फेस सेंटर्ड पार्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू फेस सेंटर्ड पार्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू फेस सेंटर्ड पार्टिकल। फेस सेंटर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कॉर्नर एंड एडजेसेंट फेस सेंटर्स, एडजेसेंट फेस सेंटर्स। ये मैंने प्रूव किया था कि कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है फेस सेंटर से, दूसरे एडजेसेंट फेस सेंटर से भी डिस्टेंस उतना ही होता है। तो ये तो 12 भी रहना है, ये उतना ही रहना है, ये उतना ही रहना है। और जो फेस सेंटर का नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट फेस सेंटर होता है, यानी ऑपोजिट फेस सेंटर, ऑपोजिट फेस सेंटर, और ये सब कुछ सेम रहता है। ऐसे लास्टली हमारे पास था BCC, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर, अगर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में बोले तो नियरेस्ट पार्टिकल जो होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। ठीक, हो गए कितने? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इज 8। डिस्टेंस रूट 3a अपॉन 2, रेडियस रूट 3a अपॉन 4। ठीक, नेक्स्ट नियरेस्ट इज नेक्स्ट कॉर्नर,
एंड दैट इज सिक्स डिस्टेंस इज ए. इसी तरह से बेटे हम लोगों ने पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर इज कॉर्नर. नियरेस्ट पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पे. कोऑर्डिनेशन नंबर वन कितना होगा? सेम, ये सब कुछ सेम. और नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट बॉडी सेंटर, नेक्स्ट बॉडी सेंटर. तो ऑटोमेटिकली ये तो सेम ही रहना है. तो ये बेटे हमारे पास एक अच्छा सा चार्ट बन के आ गया जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर वन कोऑर्डिनेशन नंबर टू देख लिया है. ठीक है जी. सर अगर ना पेपर में ना कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री आ गया, ठीक, थर्ड नियरेस्ट पूछा जाए तो क्या करेंगे? ऐसे कई लड्डू लोग ना कराते आगे भी चले जाते, बोलते कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री भी पढ़ लो, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर भी पढ़ लो. अरे भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को, कुछ नहीं आता ऐसा पेपर में. बट फिर भी मैं तुम्हें एक आसान ट्रिक बता, है ना, आता ऐसा है नहीं बट क्या है कि हमें सबको मुंह तोड़ जवाब जरूर दे. ठीक, देखो बेटा फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग से बनता है, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग से बनता है. पढ़ चुके हो ना कि फेस सेंटर इज फॉर्म्ड बाय क्यूबिक क्लोज पैकिंग. तो ऑब्वियसली क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, फोर्थ लेयर इज सेम एज फर्स्ट. तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड लेयर का होगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड लेयर का होगा एंड फोर्थ लेयर बिकम्स सेम एज फर्स्ट. फिर से बराबर वही होना शुरू हो जाए. तो हमें लड्डू बनाने वाली बात हो गई. एक पार्टिकल यहां है, उसके नेक्स्ट के पास वाला है तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर लेते हैं. ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? वन अगले लेयर का. कोऑर्डिनेशन नंबर टू उससे अगले लेयर का. तो ये एक लेयर, दूसरे लेयर, तीसरे लेयर, चौथी लेयर, तो सेम हो गई. तो सेम आ गया कि नहीं? तो वैसे ही आगे आगे चलते रहेंगे. ठीक, वही रहेगा, वही रहेगा, बस उसका डिस्टेंस डबल हो जाएगा. जितना पहले था उससे डबल हो गया, फिर उससे डबल हो गया, ऐसे करके होता रहेगा. वो थोड़ा मैथमेटिकली निकालना पड़ता, बाकी अदरवाइज देयर इज नथिंग. कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे ही रहेगा आगे 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 आगे. बोलो क्लियर? ओके. तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं, लेना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं. ऐसे लोग बताते रहते हैं तो फिर भी मैंने कोशिश की, चलो तुम्हें बता देता हूं. तो दिस यू हैव ऑलरेडी डन. अब हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन. अब जो क्वेश्चन हमें इस पे पूछे जा सकते हैं वो किस तरह के होते हैं? ठीक है जी. तो चलिए, लेट मी राइट फर्स्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑन दैट. सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिखें इसके ऊपर. लिखें, अ सेल एज लेंथ, अ सेल एज लेंथ is 0.8 millimeter. A cell edge length is 0.8 millimeter. Calculate the radius of sphere. Calculate the radius of sphere if it forms FCC unit cell. If it forms FCC unit cell, मैं इसको मिटा रहा हूं. हमें क्वेश्चन दे दिया गया, हमें बोल दिया गया एज लेंथ कितनी है. कह दिया गया एज लेंथ ए जो है, एज लेंथ ए जो हमें दे दी गई है वो दे दी गई है 0.8 मिलीमीटर और FCC क्रिस्टल है. रेडियस पूछा है. FCC के लिए आप रेडियस का फॉर्मूला जानते हो, a बाय रूट टू रूट हो जाता है. ठीक है जी, क्लियर. तो हमने यहां पे 0.8 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1.414 इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाना है. बोलो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता, जल्दी बताना. ओके, अगला क्वेश्चन अब तुमने मेरे को करके बताना है. लिखो, a metal crystallizes in
बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस. इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विद अ रेडियस ऑफ 1.86 एंगस्ट्रॉम्स, विद द रेडियस ऑफ 1.86 एंगस्ट्रॉम्स, find the edge length and distance of nearest particle. Find the edge length and distance of nearest particle. चलो करके दिखा दो फटाफट से. चलो चलो शाबाश. माधवी क्वेश्चन इज अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद अ रेडियस ऑफ 1.86 एंगस्ट्रॉम्स. फाइंड द एज लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट एटम. देखो बच्चा लोग, यहां हमें रेडियस दे रखी है 1.86 एंगस्ट्रॉम्स. हमसे एक तो डिस्टेंस पूछा है, दूसरा एज लेंथ पूछी है, यानी ए पूछा है. हमें ये तो हमेशा ही पता है कि डिस्टेंस इज 2 ऑफ r, ये तो हमेशा ही पता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है. ये तो हमेशा ही पता डिस्टेंस 2 ऑफ r होता है, क्योंकि अभी हमने बार बार रेडियस निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टू किया ना, तो सीधे सीधे आंसर बन गया यहां पर डिस्टेंस का 1.86 इंटू 2. अब रही बात रेडियस का जो फॉर्मूला था, ये बॉडी सेंटर था, बॉडी सेंटर 3a/4 होता है, तो a निकालना है 4r/√3. तो 4 इंटू r की वैल्यू, 1.86 डिवाइड बाय रूट 3, 1.732. ठीक, तो बताओ निकला कि नहीं क्वेश्चन. तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन जो है, रेडियस दिया होगा एक्सलेंथ पूछेंगे, एक्सलेंथ पूछा दिया होगा रेडियस पूछेंगे. ठीक, तो एक फटाफट से क्वेश्चन लिखो. अ मेटल क्रिस्टलाइजेस in FCC cubic lattice, with a radius of, 219.25 picometers. Find the radius of particle present at the body center of such FCC unit. Find the radius of particle present at the body center of such FCC unit. And also find the radius of particle. And also find the radius of particle which can move in its tetrahedral void, which can move in its tetrahedral void. देखो बेटा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना,
शुरुआत में मैंने बताया मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल, उसका रेडियस दे रेडियस काट दो सुझेगा. देखो मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ 620 पिकोमीटर्स. काट देना, लिखना मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ 620 पिकोमीटर्स. एज लेंथ 620 पिकोमीटर्स. फाइंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल which is present at the body center of such FCC particle. Find the radius of particle present at the body center of such FCC unit cell. And radius of the particle which can move into its tetrahedral void. देखो बेटे, सबसे पहली बात यहां पे A दिया है 620 picometer. और हमसे पूछा है रेडियस ऑफ पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर, एट द बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी. रेडियस ऑफ पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी. ठीक है जी, एक ये दिया है क्वेश्चन. दूसरा दिया है रेडियस of the particle moving into its tetrahedral void. Its tetrahedral void. ठीक है जी. क्लियर है जी. आप देखो जी, ए तो ये हो गया. ठीक है जी, दिस इज ए. अब हमें पहले निकालना बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी. बेटे बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी में क्या होता है? एक्चुअली दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. एफसीसी के बॉडी सेंटर में क्या पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही पाया जाता है ना. यानी यहां पे रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालनी, और वो तुम्हें पता था कि 0.414 टाइम्स ऑफ आर होती है. ये हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस 0.414 टाइम्स ऑफ आर होती है, और टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस 0.225 टाइम्स ऑफ आर होती है. अब हमें यहां से आर चाहिए होगा, तो हमें पता है एफसीसी में रेडियस इज इक्वल टू ए बाय 2√2, यानी 620 डिवाइड बाय 2 इनटू 1.414. यहां से आप निकाल लो फटाफट से क्या रेडियस, और उस रेडियस को यहां पुट करो तो ये रेडियस आ जाएगी. उसी रेडियस को आप यहां पुट करो तो ये रेडियस आ जाएगी. बोलो क्लियर होता है कि नहीं होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ सकता है. माइक ऑन करें और पूछे. सर एक बार प्लीज. हाँ जी बेटे बोलो. सर एक बार वो दोबारा बता दो कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कैसे पता चला कि वो ऑक्टाहेड्रल था? एफसीसी के बॉडी के सेंटर में होता क्या है? ओके ओके सर, ओके गॉट इट. सॉरी सर. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अनीश? बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर किसका? एफसीसी का. इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निकालना रेडियस. यस सर. ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होता है? 0.414 टाइम्स ऑफ आर. हां जी सर. तो आर निकालना रेडियस, तो फेस सेंटर के रेडियस का फॉर्मूला भी किए नहीं. ओके सर. आर इज इक्वल टू ए बाय 2√2. यस सर. एफसीसी के फॉर्मूला से रेडियस निकाला, वो रेडियस से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस आएगा, उसी रेडियस से टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस आएगा. सिंपल. बोलो क्लियर? क्लियर सर. चलो तो बेटा जी, आज की कहानी करते हैं खत्म यहीं पर. ठीक, अब रह गया हमारे पास डेंसिटी. अगली बार पकड़ेंगे. थैंक्स लॉट फॉर टुडे. अब अगली बार पकड़ेंगे अपन डेंसिटी से ऑनवर्ड. ठीक, थैंक यू जी. एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन. हां जी बेटा.
बोलो सर हमारा बोलो अनिकेत। यस सर, सर मैं बोल रहा हूँ सर कि हमारा ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? मेरे बच्चे देखो, हमारी जो छुट्टियां बीच में पड़ गई थी बिकॉज ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो 21 तारीख से दोबारा शुरू हुआ है। ठीक, तो जितनी जल्दी, अब ये तो है नहीं बेटा, मैं अनिकेत जल्दबाजी में कुछ नहीं करूंगा बेटा। ठीक है, सो अभी देखो डेंसिटी करवानी है, आयनिक सॉलिड्स के 3 लेक्चर लगेंगे, फिर उसके बाद इनपरफेक्शंस इन सॉलिड होगा, इनपरफेक्शन का प्रॉपर्टीज होगा, तो लगभग 6 लेक्चर और लगने ओके मिनिमम। सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट लेने दो, अजी तो स्क्रीनशॉट लेने वो पिछले वाले लास्ट आंसर का जो लिखा आपने, ले लिया सर। एंड सर वो टेस्ट के डाउट्स जो हैं वो व्हाट्सएप कर दे फिर आपको। यस सर, सेम।